हेलो फ्रेंड्स, यूनिक नॉलेज सिटी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं माइक्रोमीटर से रीडिंग कैसे पढ़ा जाए। ये जो माइक्रोमीटर है, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो इन वर्कशॉप या फिर इन इंडस्ट्रीज या फिर फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन तो या फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये माइक्रोमीटर का रीडिंग जो है वो कैसे हम ले सकते हैं या फिर कैसे राइट तरीके से रीडिंग लिया जा सकता है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का, तो वो हम आज देखेंगे क्विकली। ओके, सो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज रीडिंग कैसे लिया जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी अभी फिगर आएगी वो है माइक्रोमीटर की, और यहाँ पे दो स्केल दिखाई गई है। ओके, सो ये फर्स्ट स्केल है जिसको स्लीव बोल सकते हैं या फिर उसको ही मेन स्केल बोल सकते हैं। आप मेन स्केल बोलो, स्लीव बोलो, दोनों सेम है, जो कि फिक्स रहती है। मीन्स ये वाली जो स्केल है आगे वाली, ये फिक्स स्केल है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, ये जो पूरा पोर्शन है सर्कुलर स्केल वाला, उसको बोलते हैं थिम्बल या फिर सर्कुलर स्केल। ठीक है, सो ये पोर्शन को बोलते हैं स्लीव या फिर मेन स्केल, ये पोर्शन को बोलते हैं थिम्बल या फिर सर्कुलर स्केल। ओके, नेक्स्ट, अभी माइक्रोमीटर पे आपको जो ये ऊपर पे 0, 5, 10, 15, 20 दिखाई दे रहे हैं, मीन्स ये नंबर है वो कैसे है कि लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मीन्स 1 mm की दूरी पे ये नंबर रखे हैं, 1, 1 mm पे। ओके, ऐसे। जबकि नीचे की साइड पे, मीन्स ये जो लाइन है सेंटर लाइन, उसके ठीक नीचे, सपोज ये फर्स्ट लाइन है, वो क्या इंडिकेट कर रही है, 0.5। ठीक है, 0.5 है वो इंडिकेट कर रही है। फिर जो सेकेंड लाइन है वो क्या इंडिकेट कर रही है, ये वाली सेकेंड लाइन। ठीक है, तो ये इंडिकेट कर रही है 1.5। ठीक है, 1.5 लाइकवाइज। सो ऊपर की साइड पे सभी है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 लाइकवाइज नंबर्स है। ठीक है, और लाइन के जो नीचे, ये सेंटर लाइन के नीचे जो डिविजन्स बनाए हैं उसकी वैल्यू है 0.5। ठीक है, 0.5, 1.5, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 लाइकवाइज। मीन्स क्या है कि ये जो माइक्रोमीटर है उसमें मिनिमम मेजरमेंट ऑन मेन स्केल या फिर स्लीव वो कितना है, 0.5 जितना है, 0.5 जितना मेन स्केल पे रीडिंग है इसमें। ठीक है, नाउ सपोज कि हमको रीडिंग ये पर्टिकुलर चीज का अभी देखना है, ये पर्टिकुलर रीडिंग लेना है, तो हम कैसे रीडिंग लेंगे। तो थिम्बल, ये जो है वो थिम्बल का पोर्शन है, यहाँ से जो स्टार्ट होता है ये वाला सेक्शन पूरा, ये थिम्बल का है। तो हमको देखना है कि थिम्बल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स मेन स्केल पे थिम्बल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो हमको यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं, आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे की साइड पे 23.5 mm। ठीक है, नीचे की साइड पे है 23.5 mm। अगर ऊपर का ये वाला पॉइंट होता आखिरी और उसके बाद थिम्बल स्टार्ट होता तो वो बन जाता 23 mm, लेकिन यहाँ पे नीचे वाला पॉइंट हमको दिख रहा है जिसकी वैल्यू है 23.5 mm। तो आपका मेन स्केल रीडिंग जो बन गया है वो क्या बन गया है, मेन स्केल रीडिंग 23.50 mm। ये है मेन स्केल रीडिंग, मीन्स ये जो स्लीव है उसका रीडिंग क्या है, 23.5। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि अगर सर्कुलर स्केल का रीडिंग है वो हमको फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करें। तो यहाँ पे एक आपको रेड मार्क दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको फोकस करना रहेगा। सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो 43 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो कैसे आया 43 नंबर वो देख लेते हैं हम। ठीक है, सो यहाँ पे जो सेंटर लाइन है स्लीव की, ये वाली सेंटर लाइन, ठीक है, वहाँ पे 43 नंबर एग्जैक्टली प्रॉपरली मैच कर रहा है। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 43 नंबर डिवीजन परफेक्टली मैच हो रहा है ये वाली सेंटर लाइन से। ठीक है, स्लीव की सेंटर लाइन से। सो ये जो है वो कौन सा डिवीजन परफेक्टली मैच हो रहा है, 43 नंबर वाला डिवीजन है वो परफेक्टली मैच हो रहा है। सो लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर से ये 43 नंबर जो भी डिवीजन का है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन दे देंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.43 mm। सो मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे दिख रहा है आपको 23.5, और जो सर्कुलर स्केल है उसका रीडिंग है 43 mm। सो 43 मल्टीप्लाई विथ 0.01, सो 0.43 mm हो जाएगी वैल्यू। ओके, एंड अभी टोटल रीडिंग निकालना है। ठीक है, सो टोटल रीडिंग कितना बनेगा, तो 23.5 mm, 5 mm मीन्स 50 mm
जो कि फर्स्ट रीडिंग था, ओके, एंड देन आफ्टर सर्कुलर स्केल रीडिंग 0.43 mm, मीन्स ये वाला, ओके, सो टोटल रीडिंग बन जाएगा 23.93 mm. सो ये एक रीडिंग लिया हमने, यहाँ पे हमको फाइनली आंसर मिला है 23.93 mm, ओके. मेन स्केल पे हमारा रहा है 23.50 एंड जो सर्कुलर स्केल है वहाँ पे हमको मिला 0.43. सो टोटल रीडिंग बन गया है 23.93 mm, ओके. नेक्स्ट देखते हैं दूसरा रीडिंग, ओके, ताकि क्लियर हो जाए आपका. अभी एक वैल्यू लेंगे, वो 50 से बिलो की लेंगे, ठीक है. सो यहाँ पे हमारा मेन स्केल स्लीव वैसे का वैसा ही है, ठीक है. थिम्बल सर्कुलर स्केल, ये वाली पूरी पोर्शन थिम्बल सर्कुलर स्केल की है, ठीक है. अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये है 15, ठीक है. 15 के बाद कितने नंबर ऑफ डिवीजन है, 16, 17, 18 एंड 19, चार डिवीजन दिख रहे हैं. 15 के बाद ऊपर की साइड पे कितने डिवीजन दिख रहे हैं, 16, 17, 18 एंड 19, चार डिवीजन हमको दिखाई दे रहे हैं 15 के बाद. मीन्स मेन स्केल रीडिंग क्या होना चाहिए, 19 होना चाहिए मेन स्केल रीडिंग, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे नीचे की साइड की जो लाइन है वो नहीं दिख रही है, सिर्फ ऊपर का 19 दिख रहा है. तो मेन स्केल रीडिंग बन गया है आपका 19, ओके. मेन स्केल रीडिंग हो गया है 19, ओके, मीन्स स्लीव रीडिंग. अभी हम सर्कुलर स्केल का रीडिंग चेक करते हैं कि सर्कुलर स्केल कहाँ पे परफेक्टली मैच हो रही है, ओके. सो देख लेते हैं सर्कुलर स्केल. तो ये 19 डिवीजन बन गया मेन स्केल रीडिंग वाला. मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 19 mm, ओके, 19 mm. नाउ 23 नंबर ऑफ डिविजन्स परफेक्टली मैच ऑन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन. 23 नंबर ऑफ डिवीजन है जो कि सर्कुलर स्केल का है, वो परफेक्टली मैच कर रहा है ये वाली स्लीव के साथ, हॉरिजॉन्टल स्लीव के साथ. तो वो बन गया आपका 23 नंबर, ठीक है. सो रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल दैट इज 23, एंड उसको लिस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया माइक्रोमीटर की, जो कि लिस्ट काउंट है 0.01 mm. माइक्रोमीटर की जो भी लिस्ट काउंट है वो है 0.01 mm. तो जो भी आंसर था सर्कुलर स्केल का वो बन गया है 0.23 mm. अभी दोनों का एडिशन कर देंगे टोटल रीडिंग के लिए, ठीक है. सो टोटल रीडिंग इज इक्वल टू 19 mm प्लस 0.23 mm इज इक्वल टू 19.23 mm, ओके. सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 19.23. सो यहाँ पे हमने दोनों रीडिंग देख लिए, जो पहला रीडिंग था उसकी वैल्यू थी पॉइंट में और जो की थी 0.50 के ऊपर, ओके. और यहाँ पे दूसरा रीडिंग है जिसकी वैल्यू है 0.50 की नीचे. तो 0.50 के नीचे हो तो सिर्फ ऊपर का डिवीजन हमको ध्यान में रखना पड़ेगा. अगर नीचे डिवीजन हमको दिख रहा है तो उसकी वैल्यू होगी 0.5 के ऊपर की साइड पे, ठीक है. और फिर यहाँ पे जो भी डिवीजन आपको दिख रहा है उससे 0.01 आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है. सो ये सर्कुलर स्केल रीडिंग बन जाएगा और यहाँ से आपको मेन स्केल रीडिंग मिल जाएगा. दोनों का फिर एडिशन कर देंगे तो आपको टोटल रीडिंग मिल जाएगा. तो ये था आज के लिए फ्रेंड्स, हाउ टू मेजर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर, ओके. सो मस्ट बी क्लियर दिस कंसेप्ट. इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी, फील फ्री टू आस्क एनी टाइम ऑन एंड गिव द सजेशन ऑन कॉमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी, ओके. सो थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग, फॉर लर्निंग, ओके. Please like, share, subscribe our channel and hit the bell icon if you want more videos, more updates related with your branch, okay. And also you can write comment on the suggestion box. Thank you very much. God bless you. Take care.